मीडिया पर्सन्स का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो भी हमारी आवाज़ होती है मुलाजमों की या आवाम की आवाज़ होती है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाने में आपका बहुत सहयोग हमें मिलता है। सो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हमने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज में जम्मू कश्मीर मेडिकल इम्प्लाइज फेडरेशन की तरफ से रखी है, मैं धर्मेंद्र सिंह प्रेजिडेंट मेडिकल फेडरेशन की तरफ से बोल रहा हूँ। हमारी DPC जो थी वो एक साल से ड्यूटी, तो हमने 2-3 बार डेपुटेशन मिले क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हर 6 महीने के बाद DPC की जाए, बट एक साल में भी DPC नहीं हो रही थी। कुछ 7-8 मुलाजमों की DPC ऑन पेड ग्रेड जो डेक्सा ने की है उसके लिए हम फिर डेपुटेशन मिले कि क्यों पिक एंड चूज नहीं करना, अगर DPC करनी है तो पूरे डिपार्टमेंट की जाए। तो डायरेक्टर साहब ने हमारी जो डिमांड्स थी वो मानी और ये कट आउट हमें डेट दी है कि 14 अगस्त से पहले पहले जो हमारे जम्मू प्रोविंस की DPC होगी वो कर दी जाए, क्योंकि लास्ट मंथ इसी मंथ में 3 जुलाई में कश्मीर में भी हो चुकी है और कोई ऐसा बहाना नहीं कि DPC ना की जाए। उसके साथ साथ और हमारी जो डिमांड्स हैं जो काफ़ी देर की पेंडिंग डिमांड्स हैं, ड्राइवर्स की जो बहुत बड़ी डिमांड है कि उनकी सर्विस जो है 15-15 साल से कंप्लीट नहीं हुई SHTO में, और वहाँ पे हमें ये समझ नहीं आ रही कि एक ही जगह पे 15-15 साल से मुलाजम क्यों बिठा के रखे हैं अगर वो काम नहीं करते। जहाँ पर यूनिफॉर्म अलाउंस का तलक था, यूनिफॉर्म हर साल ड्राइवर्स क्लीनर्स को मिलती है, 2 साल से इन्होंने बजट जो है वो लेस करवा दी, ये नालायक किया वहाँ के ऑफिसर्स की और ऑफिशियल्स की। उसके बाद फास्टैग जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं उन पर फास्टैग का 3 लाख रुपया आया था, वो भी इन्होंने विड्रा कर दिया, इस्तेमाल नहीं कर पाए। हम ये कहना चाहते हैं अगर SHTO को ख़त्म ही करना है तो उन मुलाजमों को भी बाहर निकाल दो जो इस डिपार्टमेंट को गुण की तरह खा रहे हैं। सो मेरी ये डिमांड है हर अथॉरिटी से कि पहला नंबर SHTO में जो टेक्निकल बंदा होना चाहिए वो इंचार्ज होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को ये नहीं पता होता टायर किस कैपेसिटी का है, उसके पार्ट्स जो है गाड़ियों के उनका क्या सिस्टम है, लिहाजा टेक्निकल जो है वो एक वहाँ पे टेक्निकल अफसर होना चाहिए ताकि जो हमारी वर्कशॉप है वो ठीक काम कर सके, क्योंकि यही एक ऐसा कंपोनेंट है जो पूरे प्रोविंस में पेशेंट को ले जाता है, ऑफिसर्स को ले जाता है और गाड़ियाँ नहीं ठीक होंगी तो मेरा ख्याल है कि रिस्क हमारे ऑफिसर्स भी रिस्क में हैं और पेशेंट की तो भगवान ही जाने। उसके बाद एक बहुत बड़ी जो डिमांड है हमारी में जो 1960 में और 1978 में जो स्टाफ अपॉइंट हुआ था वही स्टाफ आज चल रही है, जबकि पॉपुलेशन जो है वो 4 गुना बढ़ चुकी है। लिहाजा हमारी ये डिमांड है कि यहाँ पे जो UNCT में स्टाफ बढ़ाया जाए ताकि लोगों को भी फैसिलिटी मिल सके और जो हमारा एम्प्लाई है वो भी ठीक ढंग से काम कर सके। एक बहुत बड़ी डिमांड जो है ट्रांसफर्स की, ट्रांसफर में हर बार पिक एंड चूज किया जाता है, हम ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए ये ट्रांसफर की, खासतौर पर नॉन वेस्टेड की। जिस आदमी की अप्रोच नहीं है वो बेचारा पहाड़ों में ही रहेगा, जिस आदमी की अप्रोच है वो सिटी में ही पूरी लाइफ नौकरी करेगा। लिहाजा मेरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये डिमांड है कि एम्प्लाइज नॉन वेस्टेड की ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होना चाहिए ट्रांसफर के लिए। उसके बाद रिस्क अलाउंस जो है, जैसे हमारे लोग कैजुअल्टी में काम करते हैं, TV में काम करते हैं, कैंसर पेशेंट्स के साथ डील करते हैं और तरह तरह के जैसे कोविड में काम किया लोगों ने, लेकिन उनको रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया। एक बार आपको याद होगा कि आपने ही पेपर में ये गवर्नमेंट की जो न्यूज़पेपर में आई थी कि जो 5,000, 7,000 और 10,000 कोविड में जिन्होंने काम किया उनको दिया जाएगा, 3 डेढ़ तक वो नहीं दिया गया। लिहाजा हमारी ये डिमांड है कि जो आपने कमिटमेंट की है गवर्नमेंट ने वो लोगों को दिया जाए ताकि वो और अच्छे ढंग से